अगर आपकी स्क्रीन टच करने पर जैसे तैसे काम कर रहा है और दोस्तों आपके स्क्रीन टच करने पर कुछ कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इस समस्या को समाधान करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देख सकते हैं ये मोबाइल जो है कि ऐसे कहीं भी एप्लीकेशन पर टच करने पर कुछ ना कुछ ये जो है कि स्पीकिंग कर रही है, बोल रही है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो उंगली से जो है कि स्क्रॉल करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों दो उंगली से स्क्रॉल कर लिया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग का आइकन मिल जाएगा। तो सेटिंग वाला आइकन पर डबल टैप करेंगे, दो बार क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आएंगे, दो उंगली से ही स्क्रॉल हो पाएगा। ये होता है जो पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उसके लिए होता है जैसे कि जो जो जिस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे वो खुद बताएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है शॉर्टकट एंड एक्सेसबिलिटी। तो दोस्तों शॉर्टकट एक्सेसबिलिटी पर जैसे कि मैं दो बार टैप किया, तो देख सकते हैं दोस्तों दो बार क्लिक कर दिया। उसके बाद जो है कि ऐसे स्क्रॉल करना होगा तो डबल उंगली से ही स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है कि एक्सेसबिलिटी यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर डबल टॉप करेंगे, टॉक बैक पर क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि सेटिंग ऑन हो चुका है, इसलिए जो है कि ये ऐसे स्पीकिंग ऑटोमेटिक कर रहा है। तो चलिए इसको क्लिक कर लिया, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों ये बंद हो गया। ऐसे फिर डबल क्लिक कर देंगे, फिर इस पर क्लिक कर लिया, उसके बाद देख सकते हैं बंद हो गया। उसके बाद देख सकते हैं एक उंगली से ही मेरा मोबाइल चलना बिल्कुल स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने मोबाइल में ऐसे ऑटोमेटिक स्पीकिंग कर रहा है, बोल रहा है मोबाइल आपका, तो उसको जो है कि ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।